कल जिस तरीके के हालात थे उसे देखते हुए फिलहाल शांति व्यवस्था कही जा रही है कि कायम है। जगह जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इंटरनेट सेवा बंद है। आज शाम तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। आपको बता दें, कल बंद के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से उपद्रव हुआ, उसके बाद पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल मगर कहा जा रहा है कि ज्यादातर इलाकों में शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है। वहीं करौली के हिंडौन सिटी में आपको बता दें, लूट और उपद्रव की घटनाओं का विरोध किया जा रहा है। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भगदड़ से कई लोग चोटिल हुए। पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों के साथ DYSP ने अभद्रता की। सर्व समाज की ओर से अब आम सभा बुलाई गई है। कल जिस तरीके के हालात थे, उन हालातों का फायदा उठाते हुए लूट की घटनाओं का भी अंजाम दिया गया था। इसका विरोध किया जा रहा है। कई लोगों के चोटिल होने की जानकारी। पुलिस लोगों से निपटने की कोशिश कर रही है। सड़क पर जाम लगाने की कोशिश लोगों की तरफ से। मीडिया कर्मियों के साथ भी अभद्रता की जानकारी। सर्व समाज की ओर से अब इस पूरे मामले में आम सभा बुलाई गई है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी, क्या तस्वीर वहां की? जी बिल्कुल चित्रा, बताना चाहूंगा, कल उपद्रव के बाद में कलेक्टर एक्सिस मौके पर पहुंचे थे। धारा 144 लगाई गई थी और काफी मशक्कत के बाद नियंत्रण किया गया, काबू पाया गया स्थिति पर। उसके बाद सर समाज की ओर से हिंडौन बंद का आह्वान किया गया है। डैम बोर्ड पर मीटिंग बुलाई गई है। SP अनिल कयाल हिंडौन में ही कैंप किए हुए हैं और RAC SPF पुलिस जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं और SP के अनुसार शांति का दावा किया जा रहा है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण भी बताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर जालौर से। यहां पर कल हुई हिंसा के मामले में अलग अलग थानों में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। हिंसा के विरोध में आहौर कस्बा बंद रखा गया है। हिंसा भड़काने वालों की पहचान करने की कोशिश अब की जा रही है। बड़ी संख्या में उपद्रवियों की गिरफ्तारियों की तैयारी। कल से ही जिले में आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा बंद है। सहयोगी लूड़ाराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लूड़ाराम, क्या जानकारी, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जिले भर में 144 धारा लागू कर दी गई है। पुलिस की ओर से कल से ही उपद्रवियों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई थी। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई है। आवर कस्बा कल जो हिंसा हुई उसके विरोध में बंद है। व्यापारियों ने आक्रोश जताया कल की हिंसा को लेकर और तमाम पुलिस के आला अधिकारी पुलिस थानों में मौजूद है। पुलिस पर पथराव करने और हिंसा भड़कानों के मामले में उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और जिन लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र की और जिस तरीके से हिंसा भड़काई है, उन लोगों को गिरफ्तार करने की पहचान करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी पुलिस थानों में पहुंच गए हैं और सांचौर की बात करें तो सांचौर में भी कई मामले दर्ज कर लिए गए हैं पुलिस की ओर से और उपद्रवियों की गिरफ्तारी के साथ ही अब उन लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं जिन्होंने हिंसा भड़काई थी। जी चित्रा, चलिए शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अब हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी और कार्रवाई हो भी रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं भरतपुर में भी भारत बंद के दौरान उपद्रव के मामले को लेकर जिले की इंटरनेट सेवा बंद है। भुसावर कस्बे के बाजार आज बंद रखे गए हैं। व्यापारी संगठनों ने इस बाजार बंद का आह्वान किया है। लूटपाट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग व्यापारी संगठनों की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि कल व्यापारियों के साथ भी मारपिटाई हुई है, हाथापाई हुई है। इसके साथ ही दुकानों में लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है, जिसके बाद अब व्यापारियों की तरफ से यहां पर बंद बुलाया गया है और लूटपाट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। भरतपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कल भारत बंद के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद लूटपाट भी यहां पर हुई। अब व्यापारियों की तरफ से आज यहां के बाजार बंद रखे गए हैं। लूटपाट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। तो प्रदेश के ज्यादातर इलाकों की हम बात करें, जहां पर कल भारत बंद के दौरान हिंसा की तस्वीरें एक तरीके से सामने आई, वहां पर ज्यादातर इलाकों में पुलिस बल अब तैनात की गई है। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बाधित की गई है, बंद की गई है आज शाम तक के लिए। वहीं फिलहाल कई जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई है। भुसावर की बात करें तो सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी आज के हालातों को लेकर?
जी चित्रा बिल्कुल बताना चाहूंगा, भुसावर कस्बे के बाजार आज पूर्णतः बंद हैं। व्यापारियों ने ही स्वयं निर्णय लेकर बाजार बंद किया है। कल जब भारत बंद आह्वान के दौरान जो घटनाक्रम हुआ था, जो लूटपाट हुई थी, उसका व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। साथ ही थाना अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिन लोगों ने कल उत्पात मचाया है, लूट की है, उन आरोपियों की यहाँ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जहां तक भरतपुर जिले की बात की जाए तो कल पूरा जिला पूरी तरह से प्रभावित था। रूपवास और कंजोरी लाइन स्थित रेलवे ट्रैक की क्लिप निकाल दी गई थी, जिससे रेल यातायात बाधित रहा था। साथ ही भरतपुर का जो केंद्रीय बस स्टैंड है और डी कस्बे का जो बस स्टैंड है, वहां पर पथराव हुआ था और ये कह सकते हैं कि जो पूरा भरतपुर शहर है, दहशत गर्दों के साये में आ गया था, जिससे हालात बिगड़ गए थे। पुलिस पर भी कई पथराव हुआ है और यहाँ पर एडिशनल SP सहित करीब दर्जनों जो पुलिसकर्मी है वो घायल हुए थे। जी चित्रा, चलिए शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, भुसावर की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल यहां पर कस्बे के बाजार आज भी बंद रखे गए हैं। कल व्यापारियों के साथ लूटपाट हुई थी, लूटपाट के साथ ही आपको बता दें कि व्यापारियों के साथ मारपीट भी हुई थी। अब लूटपाट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज व्यापारियों की तरफ से ये बंद बुलाया गया है। कल भारत बंद के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से व्यापारियों के साथ मारपीट हुई, दुकानों में लूटपाट हुई, उसके विरोध में अब व्यापारी यहां पर बंद का आह्वान कर रहे हैं।